अस्सलाम वालेकुम कैरियर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं भी ठीक हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। और जिन मेरे बहन भाइयों की औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे। तो इसी दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज है ना मेरा पहला दिन किचन में गुजारा है। सुबह से मैं लगी हूँ, बाहर कचरा था ये सारा उठाया है, झाड़ू वगैरह दिया है। तो अभी जो है ना मोटर चला के ना इसे साफ़ कर रही हूँ, और बाहर जो मिट्टी वगैरह थी वो भी मैंने इकट्ठी की है और झाड़ू भी दिया है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सुबह सुबह ये काम कर लूँगी ना तो पूरा दिन है, फिर ये खुश्क हो जाएगा। तो आप सब ने बताना है कि मेरा जो ये छोटा सा किचन है ना ये आपको कैसा लगा। आज सुबह सुबह जो है ना बहुत अच्छा है, सुबह गुजरी है क्योंकि अम्मी अबू जल्दी उठते हैं ना तो आग चलाई है, नमाज पढ़ी है। तो आज इसलिए मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। तो बताए सर्दियाँ आ रही है ना तो ये बिल्कुल खुश्क नहीं होती अगर पानी वगैरह से रोज़ धोएं, तो इसलिए आज इसकी अच्छी तरह से सफाई कर दूँगी। फिर लकड़ी वगैरह रख के ना तो रोज़ के जैसे किचन का काम होता है वैसे करेंगे। बाकी ये तो है ना इसकी सीमेंट वगैरह नहीं हुई अभी, फुर्सत मेरे पास भी नहीं है। तो बस इसका डिज़ाइन वगैरह भी मैंने नहीं कराया, बस ऐसे सीधा सादा सा किचन बनाए, आग वगैरह जलाएंगे और बाद में इसकी सेटिंग होती रहेगी। और ये देखें धुएं के लिए जो है ना, असल में वो मिस्त्री जो है ना बिल्कुल भी ये नहीं बना रहे थे, तो मैंने कहा कि मैंने ये ज़रूर बनाना है क्योंकि धुआं जो है ना सारा कमरे में ऐसे किचन में खड़ा रहेगा और जो है ना ऐसे नीचे चूल्हा है तो धुआँ सीधा ऊपर जाता है। जो काम है ना सफाई का जो मैं करती हूँ अपने घर में, तो मेरे गांव में सब कहते हैं कि जना सबसे ज्यादा साफ सुथरा आप ही का घर है। हमसे कहते हैं हमसे ये सफाई नहीं होती। असल में जब नीचे से मट्टी की सारी की ना तो गिरती रहेगी ना सारी। तीसरा दिन, चौथा दिन है मुझे किचन बनाते हुए। तो चार दिन काम करती रही ना, रात मुझे जो है ना थोड़ा सा बुखार भी आ गया और सभी को गांव में जुकाम हुआ है ना तो मुझे भी जुकाम हो गया थोड़ा थोड़ा, तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी सुबह से। पकड़ करें करें खुद टूप उठा के ना पानी का छिड़काव करेंगे। अब जो हम दो हो गए ना तो किचन जल्दी साफ होगा। मैं काम ना करा चलता
जारा को देखिए पढ़ने का शौक है, पढ़ ए बी सी पढ़े ए बी सी पढ़े ही सब पढ़े। इस पूरी फैमिली ने हमें बीमार कर दिया है, और इसके अच्छा कि जिम्मे मैंने कपड़े जिम्मे लगाए थे, मैंने कहा धो और बाकी ये का ये काम जो है मैं खुद करती हूँ, आधा काम करती हूँ पूरा। ज़्यादा तो नहीं डालती, बोला नहीं तो नहीं डालती है इधर ना, मैंने पानी दूँ तो ई मानी अरे चावा मैं पढ़ा अरे चावा पता है कुटेसी निको जादी एबीसी पढ़िए एबीसी हाँ। गंदी बच्ची एबीसी पढ़ो एबीसी आओ कैसा नाली कैसा नाली की लिखाई देखी बस शुरू हो गए। अब 8 मिनट तक चलता रहे तो मोबाइल भी बोलती रहेगी, ऐसे कुछ समझ नहीं आता। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं जो है ना चूड़ी फैमिली को गालियाँ दे रही थी लगने में बीमार कर दे, जाना कोई ना कोई का बीमार होता रहा है, भाभी का भाभी बीमार है, भाई बीमार है, फिर ज़रा को थोड़ा सा जुकाम हुआ तो उसे तो हम लोग चुम चुम के रखते हैं, हमारे पास ही होती है ना, तो हम भी आप सारे के सारे बीमार हो गए, अम्मी अबू सब। तो आज जो है ना पता नहीं क्या बनता है सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, सुबह कितना काम कराया आप ही ने, क्योंकि सारी सफाई करनी थी, मैंने कहा आप सफाई कर लो, चलो घर का काम जो बाकी का है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए, तो ये देखिए आज जो है संडे है, सकला है और हसन भी घर, तो ये देखिए कपड़े ले आए, कहते हैं उसके सारे कपड़े जो है ना भीगे हुए हैं तो उसे ये कुछ कपड़े पहना जो है ना कपड़ा उठा के ना, ये चूल्हा जो है ना ये सीमेंट का बना हुआ है, इसे साफ करूंगी, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लगाई हुई है, बाकी जो है ना सीमेंट से बना हुआ है। बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जो है ना अभी तो मैं कहती हूँ बूढ़ी नहीं हुई ना, काम कर सकती हूँ, तो इसीलिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बस फुर्सत दे मैं अपने घर को सीमेंट वगैरह करा लूँ। तो बाकी के तो हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो तो रंग वगैरह करवाते हैं, तो अभी देखना कि जो मैंने सीमेंट करानी है ना तो मेरे घर को देखना कि कितना प्यारा लगता है, जो रंग कराते ना साफ सुथरा जो नहीं रखते घर को तो उसका क्या फ़ायदा है। तो पेट बस काम तो ऐसे चलते रहेंगे, और दुआ करते हैं आप जहाँ रहे अपनी फैमिली के साथ अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, सिया दे, और इसी दुआ के साथ मुझे दे इजाज़त, कल फिर नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।